वेलकम टू जायका दिल्ली चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मैगी की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने ली है 3 मैगी के पैकेट्स और हम बनाएंगे मैगी। तो ये बहुत ही डिलीशियस होगी और 2 मिनट में बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ली है कढ़ाई, जो कि मैंने गैस पर चढ़ा दी है। और गैस की फ्लेम को आपको रखना है हाई फ्लेम पर। और यहाँ डालेंगे हम सरसों का तेल, अगर आप रिफाइंड ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे सरसों का तेल। तेल आपको लेना है 1 कप घी करीब, और एक प्याज काट के रख लेनी है। अगर आपको प्याज की ही ज़्यादा लगती है तो आप उसको धो लें अच्छे तरीके से। तो 1 कप घी करीब तेल मैंने यहाँ ले लिया है, जिसको मैं अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी, क्योंकि सरसों का तेल है तो इसकी हीट निकालना थोड़ा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हम 1 प्याज डालेंगे चॉप करके। आप प्याज, टमाटर और कॉर्न वगैरह जो भी चाहो वेजिटेबल्स में, शिमला मिर्च वगैरह ले सकते हो, गाजर वगैरह, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को काट के रख लिया था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को अच्छे तरीके से, साफ तरीके से काट लिया है। और अब मैं जो है इसमें डाल दूंगी। तो प्याज को कम से कम 2 मिनट तक हम पकाएंगे, हल्का सा पिंकिश टाइप की हो जाएगी, मतलब अच्छे से पक जाएगी। फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अगर आप शिमला मिर्च डालना चाहते हो या डाल रहे हो, तो आप प्याज के बाद डायरेक्ट शिमला मिर्च डालेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ी हार्ड होती है, उसको भी थोड़ा पकाना रहता है। तो हमने तो शिमला मिर्च डालनी नहीं, हम डालना है पनीर, जो कि हम एकदम एंड में डालेंगे। तो अभी हमने प्याज डाल दी और अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। जो भी आप मसाला डालना चाहते हो, जैसे इस टाइम पे आप नमक डाल लें, नमक डालने से क्या होगा, प्याज अच्छे तरीके से गल जाएगी। और जब प्याज एकदम होने वाली होगी तो हम इसमें हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी हल्का पकाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बेटर आता है और हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा। तो हल्दी तो भाई डालनी है, पर अभी थोड़ी देर में डालनी है। तो अब मेरी हल्दी हल्की हल्की पक गई है, अब जल भी ना जाए इसके लिए हम यहाँ पे जो है आधा ग्लास पानी डाल देंगे, क्योंकि अभी ये जो बिल्कुल सही टाइम पे एकदम पक गई है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पानी डालने के बाद मैं इसको हल्का हल्का सा चला दूंगी, और फिर हल्की सी हल्दी और डाल दूंगी। अब आपने इसमें मैगी डाल देनी है। और यहाँ मैंने कुछ ली हैं 4-5 मिर्चें, तो यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है, लाल मिर्च नहीं ली है। लाल मिर्च आप ना डालें, लाल मिर्च से टेस्ट अच्छा नहीं आने वाला है, बेटर है कि हरी मिर्च डालें, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा। अब सारी मैगी मुझे यहाँ डाल देनी है, चाहो तो तोड़ के भी डाल सकते हो, फिर ऐसे भी डाल सकते हो, क्योंकि मैं इसे बाद में ही तोड़ लूँगी हैंड टू हैंड गैस पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर हम जो है सारी मैगियों के मसाले अच्छे तरीके से एक जगह इकट्ठे करके रख लेंगे। अब फिर हम सारे मसाले जो है डाल देंगे इसी स्टेज पे, लास्ट में ना डालें नहीं तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अभी डालेंगे तो सूप में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ आधा ग्लास पानी और डाला है, तो टोटल आपको 1 ग्लास पानी लगेगा। और अगर बीच में नीड पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा पानी और डालना रहेगा। तो 1.5 ग्लास पानी तक तो आपको इसमें डालना ही डालना है। अब यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, जिनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब फिर इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। दोनों मैगी मसाले ये भी डाल दूंगी मैं,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टार्टिंग में मैंने आपको सर्विंग दिखाई दी है। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।